अपने भी नाम पे मैसेज कर सकते हो POR 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 POQ। अब अगर मैसेज कर सकते हो POQ POR O, ठीक है। नहीं भी कुछ भी ABCD भी हो सकता है यहाँ, पी के बाद जरूरी नहीं ABCD भी आप दे सकते हो। अब यहाँ उसके बाद ट्राइंगल POR एंड इन ट्राइंगल POQ, दो हमारे पास ट्राइंगल मिल गई है, हमने इसमें देखा है क्या देखा है कि कौन सी साइड को है कौन सी नहीं। हमने देखा PO जो है कॉमन है, PO या OP कॉमन है, एक जैसे ही है। फिर हमने क्या देखा, OQ किसके कुल है, OR, OQ OR क्यों है, क्योंकि रेडियस है, एक ही सर्कल की रेडियस है। उसके बाद हमने एंगल देखा है, एंगल कौन सा होता है, ये होता है कि रेडियस पे कोई भी टेंजेंट जब ग्राफ पे रहता है त्रिज्या के ऊपर, जब कोई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाती है या समकोण, ठीक है। तो यहाँ ये 90 डिग्री कोण बनाती है, ये आपका क्या है SAS हो गया हमारा, साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा, या फिर CBCD कर सकते हो। एंगल ना देखो तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे CBCD, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया समावेशक हो गया। और ये होने के बाद जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है समावेशक होती है, तो इसका मतलब कि हर एक भुजा हर एक साइड और हर एक कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारी जो आगे पी क्यू इज इक्वल टू उसकी बराबर आ गई पी आ गई, ये आपके आगे बराबर, ये हो गया, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी थ्योरम है जो हमें प्रूव करनी है। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल द कोर ऑफ द लार्जर सर्कल इज विदिन द स्मॉल सर्कल इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ ओके। दो सर्कल है जिनका सेंटर क्या है सेम है, ये इसने बोला है स्टेटमेंट, ठीक है। और कोर के बारे में बोला है कोर ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़े सर्कल की कोर है चाप ले रहेंगे वो टच कर रही है इसको स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। यानी जैसे कि डायग्राम में बना सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सर्कल है सी1, सी2 छोटा सर्कल है, ये बड़ा वाले भी छोटा है, दोनों के बीच में जैसे ये ओ, ठीक है सेंटर। ये जो ए बी है ये इसका कोण है, इसका कोण है सी1 का बड़े सर्कल का, बड़े वृत्त का क्या है चाप है ए बी। और ये जो कोण है ये बाइसेक्टर भी है, यानी इसको टच कर भी जा रही है इसको छोटे सर्कल, यानी कि ये क्या हुई टेंजेंट हुई ना, टेंजेंट भी तो हुई ना, टेंजेंट पे से जाती है टच करके स्पर्श रेखा से जाती है ना। अब किस पॉइंट पे टच कर रही है पी पे, इसका सर्कल दोनों का दोनों सर्कुलर सेंटर क्या ओ है, हम ओ से पी तक ड्रा करेंगे लाइन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आएगा डॉटेड ग्राफ की कंस्ट्रक्शन, हमें डॉट में दिखानी है डॉट लाइन में नहीं। गिवन क्या है तो कंस्ट्रक्ट सी1 एंड सी2 विद सेंटर ओ, यानी कि ये आपका गिवन में आ गया, ये वाला क्वेश्चन टू कंस्ट्रक्ट सेंटर, ठीक है ओ। उसके बाद कह रहा है कोर एबी ऑफ सी1, उसके बाद कोर ये जहां जहां से ये लाइन है स्मॉलर सर्कल को टच करेगी लार्जर सर्कल क्या कोर, ठीक है चार कोर एबी ऑफ सी1 which touches the smaller circle C2 and P. ये भी कहते हैं ये वो टच कर रही है। ये सिर्फ मैंने कहाँ से देखी है, यहीं से कोई बनाई है। ये आपको कई के मार्क्स आपको बनाने हैं, जैसे कोई भी बनाने हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई भी उसे दो मिनट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुपर से मिलेगा। नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू BP। ये क्या है, AP इक्वल टू BP। यानी कि जो ये हमारी जो टेंजेंट है ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, छोटा जो सर्कल है उसका तो टेंजेंट मिल गया, एक मिल गया उसकी रेडियस, रेडियस क्या है ओपी, ठीक है। और टेंजेंट क्या है बीबी, स्पर्श रेखा क्या होती है बीबी। टेंजेंट जब किसी उस पर हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि टेंजेंट क्या करेगा, रेडियस के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम बनाएगा। तो यहां क्या हो गया ओपी परपेंडिकुलर हम एबी,
ओपी परपेंडिकुलर ऑन एबी, यानी कि ओपी जो है एबी पर कितना मान लिए 90 डिग्री का एंगल बना लिए। नाउ एबी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल सी1, एबी सी1 की कॉर्ड है हमें पता है बढ़ेगी चार भाग में। ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, बाइसेक्टर मतलब जो बराबर दो भागों में बांटेगा उसको, ओपी क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट बराबर बराबर भागों में बांट देगा ऑफ द कॉर्ड एबी एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर है इसलिए क्या करेगा ये दो भागों में इसको डिवाइड कर देगा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, अब आपका सॉल्यूशन हो चुका है लास्ट यही पॉइंट है, ये लाइन आपको बतानी पड़ेगी उसके बाद आप ब्रैकेट लिख दो कि ए पी इक्वल टू किसके है बी पी के है, ये आप नोट करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा ठीक है। हाँ एक बार ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी चीज को कर लोगे इसमें थोड़ी सी कमी कर दोगे तो फिर भी कटेंगे, तो ये तो आपने स्टेटमेंट में से ही निकाला है डायग्राम और ये मोस्ट ठीक है, कोई किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए आसान है, बस आप पॉइंट को सिलेक्ट करो कि किन पॉइंट से मैं गिवन निकाल सकता हूँ, दिया हुआ क्या है वो मैं कुछ चुनूंगा, कुछ वर्ड चुनेंगे हम स्टेटमेंट देकर उससे हम निकालेंगे कि क्या गिवन है, और उपयोग नहीं से पॉइंट से निकालना है, गिवन प्रूफ और टू प्रूफ तो आगे की बात है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कुछ ना कुछ